देखो इसमें क्या करना था, हमें आज जो पढ़ना वो पढ़ना है ग्राफ ऑफ जी और क्रिएशन। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो ए नॉट माइनस के ए इक्वल टू क्या होता है केटी, ये इंटीग्रेटेड रेट का होता है जीरो ऑर्डर के लिए। इसमें ये क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, ये कौन सी कंसंट्रेशन है फाइनल कंसंट्रेशन, टी क्या है इसमें टाइम और के क्या है रेट कॉन्स्टेंट। जब हमें क्वेश्चन आ सकता है कि ए वर्सेस किस में ग्राफ बनाना है आपको, टी के बीच में ग्राफ बनाना, तो ए वर्सेस अगर हम टी के बीच में ग्राफ बनाएंगे, ये y इक्वल टू mx और c क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, हो सकता है कि ग्राफ उसे फॉलो करे। तो कैसे करेंगे आप, इसमें क्या लिख रखा a नॉट माइनस क्या a इक्वल टू क्या रखा kt माइनस a, तो ये क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें ये y एक्सिस पर लेते हैं, तो y एक्सिस पर अगर कोई भी चीज आपको लेनी तो वो हमेशा कहां रखनी है आपको, अगर y एक्सिस पर आप किसी को रख रहे हैं तो वो हमेशा कहां रखना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है, और जिसे आप x एक्सिस पर रखेंगे वो हमेशा कहां होना चाहिए राइट हैंड साइड पर। तो इन्होंने किया kt माइनस क्या हो जाएगा a नॉट, नेगेटिव से टर्न करेगा क्या हो जाएगा माइनस से kt प्लस में जाएगा क्या a नॉट, तो क्या y इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस में c। तो y की वैल्यू क्या दे रखी है आपको इसमें a दे रखी, और x की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हें t। अब देखेंगे आप इसका स्लोप क्या है माइनस के, अगर स्लोप क्या होता है नेगेटिव होता है, स्लोप क्या होता है नेगेटिव, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है ग्राफ किसी तरफ आएगा इधर की तरफ आएगा। ये ग्राफ दे भी रखा है क्वेश्चन में, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है उसमें ग्राफ दिया गया था और क्या पूछा गया था इसका ऑर्डर क्या होगा, कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। दूसरा इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और पूछी गई थी, वो ये थी कि इसमें स्लोप दिया हुआ था, पूछा क्या था आपसे रेट कांस्टेंट, स्लोप किसके बराबर होता है रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, यानी कि माइनस के बराबर होता है स्लोप। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब यह है कि आप इससे अगर आपको स्लोप दे दिया जाए तो आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप माइनस के ही इक्वल होता है, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है आपसे इसमें, इसमें पूछा जा सकता है किसके रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, और आप सभी जानते हैं जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जीरो ऑर्डर के लिए क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट को यूनिट निकाल सकते हैं। तो आगे बात समझ, इस तरह का जो ग्राफ है आपका, ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, पहले आप इक्वेशन को देखेंगे, अगर वो इक्वेशन मैच कर रही है जिस भी इक्वेशन के साथ, हो सकता है वो पैराबोला के इक्वेशन को फॉलो करें, हाइपरबोला के इक्वेशन को फॉलो करें, हो सकता है इसके इक्वेशन फॉलो करें स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फॉलो करें। तो जब हमने इसे देखा तो हमें पता चला कि कौन से इक्वेशन को फॉलो कर रही थी, ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फॉलो कर रही थी, और हमने ग्राफ बना दिया। तो इसका स्लोप क्या आ गया था माइनस, ठीक है ना, लिखो तो अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपसे कहा जाए क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि टी हाफ वर्सेस किसके लिए ग्राफ बनाना है, टी हाफ लेना है जीरो ऑर्डर के लिए, और किसके बीच में ग्राफ बनाना है आपको कंसंट्रेशन के बीच, यानी कि ए के बीच, ठीक। अब इसे कैसे बनाएंगे, आपने इक्वेशन पर रखी है के टी हाफ, या मैंने जीरो ऑर्डर के लिए लिखवा था टी हाफ इक्वल टू क्या होता है ए नॉट बाई क्या हो जाएगा टू, ठीक है, ए नॉट बाई क्या हो जाएगा टू के, वही तरीका मैंने बता रखा है कि ये किस कौन से एक्स पर आना चाहिए वाई पर, जो आगे लेता होगा पीछे वाला कौन से एक्स पर आना चाहिए एक्स एक्स पर आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे आप इसे, तो कैसे बनाएंगे अगर आप इसको, आप जानते हैं टी हाफ अगर मैं इसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ क्या करूं मैच कर दूं, y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c, x एक्सिस पर क्या आ जाएगा a नॉट, y एक्सिस पर क्या आएगा t हाँ, और आप देखेंगे इसमें जो स्लोप है इसका स्लोप इस बार क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इसमें इंटरसेप्ट नहीं है,
कहीं इंटरसेप्ट आ रहा है, इसमें प्लस की वैल्यू आ रही है, क्या इंटरसेप्ट है इसका जीरो। अगर इंटरसेप्ट जीरो तो ग्राफ हमेशा कहां जाएगा, ओरिजिन से। अगर इंटरसेप्ट जीरो है तो ग्राफ कहां से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। तो कैसे बनाएंगे आपसे ग्राफ, आएगा तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन ग्राफ इस बार कहां जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है जीरो। और मैंने बताया जब ग्राफ में स्लोप क्या हो, पॉजिटिव हो, तो ग्राफ तुम्हारे से दूर खींच जाएगा। अगर कैसा हो, नेगेटिव, तो ग्राफ कहेगा तुम्हारी तरफ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ आप लिखेंगे तो क्या आ जाएंगे, वाई एक्स पर क्या लिखा हमने डी नॉट, और यहां पर क्या लिख दिया आपने ए नॉट, ठीक है। इस तरह से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। एक ग्राफ और भी है, उसे आप ट्राई करके देखेंगे, मैं बनवा रहा हूं उसे। एक और ग्राफ क्या है, अगर ग्राफ पूछ लिया जाए आपसे किसके बीच में कंसंट्रेशन, पहले तो राइट डाउन कर लो, किसके बीच में ग्राफ बनाना है, कंसंट्रेशन या रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ कैसे बनेगा, आप जानते हैं जो रेट है और जीरो ऑर्डर का रिलेशन, ए की पावर क्या आएगा इसमें जीरो, रेट इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर क्या होता है जीरो। तो रेट किससे बराबर हो जाता है, यानी कि आप इसमें एक चीज देख सकते हैं, कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट है वो किस पर डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या रेट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, रेट क्या है, तो चीज आपको याद रखनी है। जो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ आता है उसमें किसके लिए बात कर रहे हैं, हम जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर का जो रेट हो कंसंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं करता, किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, राइट ऑन। उसके बाद है मॉलिक्यूलर, ये जो मॉलिक्यूलरिटी है और ऑर्डर, इन दोनों में बहुत सुख क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों ही एक अलग टर्म्स होती है। मॉलिक्यूलरिटी हम एक्सपेरिमेंटली नहीं निकालते, लेकिन जो ऑर्डर होता है वो कैसे निकलता जाता, एक्सपेरिमेंटली ही निकलता है। मॉलिक्यूलरिटी की अगर हम बात करते तो मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है, तो हम मॉलिक्यूलरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपको दे रखा है H2, साथ में क्या किया वो I, ये क्या बना रहा है 2H5। तो मॉलिक्यूलरिटी डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ एटम्स आइंस और मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड टू ईच अदर, H2 और I2 तो कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड टू ईच अदर टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जब एटम आयंस और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसे क्या कह दिया, ये एटम आयंस और मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1:1:1। तो कितनी हो जाएगी इसकी मॉलिक्यूलरिटी, 2। इट इज द सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के आगे जो लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में की डेफिनेशन क्या होगी मॉलिक्यूलरिटी की, और मॉलिक्यूलरिटी क्या कभी नेगेटिव हो सकती है,
या मॉलिकुलरिटी कभी जीरो हो सकती है या मॉलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शन में हो सकती है, जबकि ऑर्डर हो सकता है, ठीक है ना। तो सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिख लो मॉलिकुलरिटी होती क्या है। इट इज द एटम, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड टू ईच अदर इन ए प्रॉपर ओरिएंटेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी? इट इज द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड टू ईच अदर टू द इन ए प्रॉपर ओरिएंटेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन की मैं बात करूंगा क्या आपसे, ठीक है। अब जैसा कि मॉलिक्यूलरिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि जीरो रिएक्टेंट आपस में टकराएगा प्रोडक्ट बना दे? कोई भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमेशा जो मॉलिक्यूलरिटी है नेवर भी जीरो, याद रखना मॉलिक्यूलरिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। दूसरा क्या मॉलिक्यूलरिटी, क्या तुमने कभी यहां नेगेटिव लगा देखा कि माइनस वन रिएक्ट कर रहा है या माइनस टू रिएक्ट कर रहा है? तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होती, नेचुरल नंबर होती। फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकती? आप कहीं सर हमने बहुत सी रिएक्शन ऐसी देखी है, सी वन अपॉन में टू एन टू, फिर क्या है थ्री बाई टू एच टू, ये क्या बना रहा है एन एच थ्री। तो इस रिएक्शन को देखेंगे सर तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी, जैसे इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी, टू आ जाएगी दोनों को एड करने के बाद। लेकिन ऐसे नहीं, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है अगर हम बात करते हैं, ऐसे आप मॉलिक्यूलरिटी निकाल रहे हैं तो आप कहीं सब फ्रैक्शन में तो आएंगे दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन बाय चांस अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए एच टू ओ टू, क्या बना देंगे एच टू एच टू और हाफ ओ टू, क्या बन जाएगा इसमें एच टू। इसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखने में क्या लग रही, वन और हाफ कितनी हो जाएगी थ्री बाय टू, कितनी आ जाएगी एच टू और हाफ ओ टू कितनी हो जाएगी थ्री बाय टू होगी। लेकिन थ्री बाय टू इसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे नहीं, थ्री बाय टू दिख तो रहा है, वन ये हाफ ही है। इसमें आपने हाफ वन तो क्या लिया है एच टू का मॉलिक्यूल, वन क्या लिया आपने एच टू का मॉलिक्यूल, लेकिन हाफ आपने मॉलिक्यूल नहीं लिया है, हाफ क्या लिया आपने, हाफ नहीं कह सकते आप इसे, क्या कहेंगे टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एक एटम है किसका, ऑक्सीजन का, क्या है एक ये एक एटम है ऑक्सीजन का। तो छोटे मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, वन और वन कितने हो जाएंगे टू। दोबारा मैं आपको बता देता हूं, वन इससे आगे दे रखा है, आप सोच रहे इससे आगे तो हाफ है, तो हाफ से हाफ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी इसकी, इसमें आपने मॉलिक्यूल नहीं लिया, इसमें क्या लिया ऑक्सीजन का एटम लिया है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी इसकी टू आएगी। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी थ्री से ज्यादा नहीं हो सकती, आपको याद रखना है मॉलिक्यूलरिटी हमने सब क्या ले लिया आपको थ्री से, 90% चांस ऐसे होंगे जो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होनी चाहिए थ्री से, थ्री या थ्री से क्या होगी कम। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं कोलाइड कर रहे हैं, जब कोलाइड कर रहे हैं तो कोलिजन कर रहे हैं, तो कोलिजन करने पर क्या होगा, ये माना जाता है कि एक साथ में सिर्फ तीन ही मॉलिक्यूल आपस में क्या कर सकते हैं कोलिजन कर सकते हैं, तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ में नहीं कोलिजन। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो कोलिजन होगा वो सिर्फ तीन ही मॉलिक्यूल आपस में क्या कर सकते हैं कोलिजन कर सकते हैं, तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन नहीं कर सकते। आगे बात सर आगे ना, कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे तीन, तीन से ज्यादा नहीं कर सकते। मैंने क्या क्या चीजें बताई आपको मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, इट नेवर बी जीरो, इट ऑलवेज नेचुरल नंबर, फिर क्या पढ़ा था आपने इट नेवर बी नेगेटिव, इट नेवर बी इन फ्रैक्शन और नॉट मोर देन थ्री, थ्री से ज्यादा में से नहीं मिले, ठीक। एक डिफरेंस पूछा जा सकता है कि ऑर्डर में और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है, ऑर्डर जीरो हो सकता है, मैंने अभी तो पढ़ा था जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट,
लेकिन मॉलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती। जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, मॉलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। एक की रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, एक की रिस्पेक्ट मतलब क्या, अगर आपने लिख दिया आर इक्वल टू के ए की पावर माइनस वन और बी की पावर क्या होगी टू, तो एक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। ये चीज आपको याद रखनी कि ओवरऑल ऑर्डर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन एक की रिस्पेक्ट में, एक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, लेकिन होगा किसकी, एक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर मतलब क्या होता है माइनस वन ऑफ फोर किसको एड करेंगे आप टू को, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका माइनस टू और टू को एड करेंगे तो कितना आएगा वन ऑर्डर आएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना है पॉजिटिव वन है, लेकिन अगर हम बात करेंगे इसकी ऑर्डर की तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव आ सकता है लेकिन किसी कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में आएगा ओवरऑल नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है किसी कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, ऑर्डर थ्री से ग्रेटर भी ले लेते हैं किसी किसी रिएक्शन में, ठीक है। बाकी हमें जो हमारे सिलेबस में थर्ड ऑर्डर तक की रिएक्शन का थोड़ा बहुत चीजें आती है और इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का ही आता है, ठीक है। तो मॉलिकुलरिटी क्या हो सकती है, देखो मॉलिकुलरिटी नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी इन्फेक्शन, मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी ग्रेटर देन थ्री। मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी नेगेटिव, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी नेचुरल नंबर रहेगी, मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी फ्रैक्शन, मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी ग्रेटर देन थ्री, मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शन जो इस टाइप में होती है क्या कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस इन वन स्टेप, जो रिएक्शन एक स्टेप में होती है क्या कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो रिएक्शन एक स्टेप में होती है क्या एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में अगर आपको इस तरह दे रखा है H2 सामने क्या दिया होगा I2, नीचे बना रहा है 2H, तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में जो ऑर्डर होता है वो भी किसके केस इक्वल होता है मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल, इसका ऑर्डर भी कितना मान चलेंगे और इसका जो मॉलिक्यूलरिटी वो भी कितनी, इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आप ले सकते हो इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन
कोई रिएक्शन एलिमेंट है तो उसका जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर ही। उसके बाद क्या आएगा, एलिमेंट्री जो रिएक्शंस होती है उसमें जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसी का एडिशन किसके बराबर हो जाता है, ऑर्डर के बराबर हो जाता है। यानी कि इसके आगे क्या दे रखा है, वन से आगे क्या दे रखा है, वन का ऑर्डर क्या बता सकते हैं आप। अगर कहा जाए भी ये रिएक्शन वाली एलिमेंट्री है तो आप उसका क्या पता लगा सकते हैं, इजीली ऑर्डर पता लगा सकते हैं कि इसको दोनों का करके ऐड कर। लेकिन कोई रिएक्शन ऐसी है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो, कितने ज्यादा हो, 3 से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एंड टू साथ में क्या दे रखा है, BH2, ये क्या बना रहा है, टू कोएफिशिएंट्स। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी हो जाएगी, 3 और 1 कितना हो जाएगी, 4, कितने हो जाएंगे, 3 और 1। तो आप देखेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूलरिटी वो 3 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ये रिएक्शन हमेशा कितने स्टेप हो, 1 से ज्यादा स्टेप के अंदर, ठीक है ना। अगर कहीं मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो उस रिएक्शन के 99% चांस है कि वो कितने स्टेप में हो, 1 से ज्यादा स्टेप में, ठीक है ना। तो कभी भी 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल टकरा रही है तो सबसे कोई प्रोडक्ट बनना नहीं चाहिए, तो होगा क्या कि रिएक्शन 1 से ज्यादा स्टेप में हो रही है। तो मैंने क्या चीज बताई आपको, एलिमेंट्री रिएक्शन जो 1 स्टेप में होती है। फिर क्या बताया था, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ डिफरेंस सीख गए होंगे कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, मॉलिक्यूलरिटी एक्सपेरिमेंटली नहीं निकलती, आपस में कॉलेजन करने से मॉलिक्यूलरिटी आप पता लगा लेंगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी इतनी होती है। दूसरा क्या है, जिस स्टेप में आप मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्या दिक्कत आ रही है कि उस स्टेप के अंदर वो रिएक्शन 1 से ज्यादा स्टेप में, ठीक है ना। वो कैसी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आगे लास्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। स्टडी करना उसका क्या होता है, आसान होता है। जैसे आप विजय क्या कर सकते हैं, स्टडी कर
सकते, इसलिए हम स्लो स्टेप को क्या मानते हैं, रेटेड माइंड स्टेप मानते हैं। अब इससे आगे क्या दे रखा, वन स्टेप क्या क्या दे रखा आपके ऊपर, ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। इसीलिए आप इसी तरह निकाल सकते हैं, आप इसका ही टेस्ट ले सकते हैं, रेटेड माइंड क्या आ जाएगा, ए सॉरी नाइन दो की पावर क्या होगी और ओ टू की पावर क्या होगी, ये इसका ऑर्डर नाइन। इसके ऑर्डर निकालेंगे आप स्लो स्टेप का ऑर्डर निकालेंगे ना कि फास्ट स्टेप। आगे बात सब देखो, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज ए रेट ट्रमाइनेशन, इज ए रेट ट्रमाइनेशन। स्लोएस्ट स्टेप कैसा स्टेप होता है इसका, रेट ट्रमाइनेशन। और अब हम एनसीईआरटी के आपको मोस्टली क्वेश्चन इससे रिलेटेड।